नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। संथाल, सियासत और सवाल। आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों एक नया बवाल जो है छिड़ गया। बवाल जनसंख्या में वृद्धि और फिर जनसंख्या में कमी। अब वृद्धि किसकी और कमी किसकी? झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तुष्टीकरण की सियासत का जिक्र करते हुए राज्य में हेमंत सरकार पर बड़ा वार किया। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यह जो सरकार है यह तुष्टीकरण की नीति में घुसपैठियों को संरक्षण दे रही और इससे आदिवासी जो आबादी है वो खतरे में और कुछ दिनों में उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। तो ऐसे आरोप में सवाल यह होता कि ये आरोप राजनीतिक है या फिर वाकई में संथाल परगना में आदिवासी आबादी घटी, और अगर घटी है तो यह संदेश खतरनाक है। चूंकि आपको बता दें कि 1951 में आदिवासी ये संथाल परगना में वो 44.67% थे और 2011 की सेंसस रिपोर्ट देखेंगे तो लगभग 23% के आसपास घटे, यानी आदिवासी घटे हैं और मुस्लिम आबादी 9% से लेकर 24% के आसपास आंकड़ा बढ़ा, यानी मुस्लिम बढ़ रहे हैं और आदिवासी घट रहे हैं। तो आंकड़े तो बता रहे हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी जो कह रहे हैं अगर वो सही है तो क्या वाकई में झारखंड में सियासत तुष्टीकरण वाली सियासत हो रही है या फिर हकीकत कुछ हो रही है? और आज इसी पर हम चर्चा करें और चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे यह भी आपका परिचय करवाएंगे उनसे, लेकिन आपको उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाते हैं। संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में, बाबूलाल मरांडी के बयान के बाद सियासत जारी। क्या तुष्टीकरण नीति में घुसपैठियों को संरक्षण? क्या संथाल में मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रही है? झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से तुष्टीकरण की सियासत का जिक्र करते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर बड़ा वार किया है। आरोप ये कि गठबंधन सरकार की तुष्टीकरण नीति में घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है और आदिवासी आबादी खतरे में है और कुछ दिनों में उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। 1951 में संथाल परगना में आदिवासी आबादी 44.67% थी, मुस्लिम आबादी 9.44% थी और सामान्य आबादी 45.91% थी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट को देखें तो मुस्लिम आबादी 2.5 गुना बढ़ी, मुस्लिम आबादी 22.73% हो गई, आदिवासियों की आबादी 44.67% से घटकर 28.11% हो गई, तो वहीं सामान्य आबादी 45.9% से 49.2% तक ही बढ़ी। 1951 के बाद दूसरा जो सेंसस हुआ 1961, प्रत्येक 10 साल होता है आप सबको पता ही है, आदिवासियों की पॉपुलेशन 44.67 से घट करके 38.24% आ गया, यानी घटा नीचे उतरा। मुस्लिम पॉपुलेशन 9.44 से बढ़ करके 13.77% हुआ और अदर जो पॉपुलेशन है वो 48.0 ने 48%।
उसके बाद 1971 में जनगणना होता है। 1971 में आदिवासियों की पॉपुलेशन में फिर गिरावट आई तो 36.22%, मुस्लिम की आबादी 14.62%, अन्य की आबादी 49.2%। उसके बाद 1981 में फिर सेंसस हुआ तो ट्राइबल की पॉपुलेशन थोड़ा इजाफा हुआ, 36.80%, और मुस्लिम की आबादी 16.44%, अन्य की आबादी में थोड़ी सी कमी आई है फिर 46.8%। तो साफ है, एक तो साफ है कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में रोहिंग्या आए और संथाल परगना में, चूंकि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यहां आकर के लोग बसते चले गए, सरकार ने भी माना है उसको, और अभी तो हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है, और सभी नहीं इलाहाबाद नहीं यहाँ रांची कोर्ट ने, और सभी डीसी को कहा है कि भाई जो घुसपैठी है उसको आप पहचानिए। तो ये जो मैंने आपको डेमोग्राफी बताया, तो ऐसे में सवाल ये कि ये आरोप राजनीतिक है या फिर वाकई में संथाल परगना में आदिवासी आबादी का घटना कोई खतरनाक संदेश दे रहा है। यकीनन मामला सियासी भी है और चुनाव चौखट पर, ऐसे में मरांडी का ये दांव हेमंत सरकार के लिए भी सिर दर्द बढ़ाने का काम कर सकता है, क्योंकि आरोप तुष्टिकरण की सियासत का है जिसको लेकर अक्सर हेमंत सरकार बीजेपी के निशाने पर रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बाबूलाल मरांडी जो ये कह रहे हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है और हकीकत क्या है, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ जेबी तुबित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, जगदीश साहू प्रवक्ता कांग्रेस, और सनत सोरेन आदिवासी नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। जगदीश साहू जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करेंगे। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है इस वक्त झारखंड में, ये सही है या आप लोगों को लग रहा है कि सामने चुनाव है तो एक नया बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, और अगर ये सही है तो जिम्मेदार कौन है जगदीश जी? पहले तो झारखंड प्रांत जब अलग हुआ तो ये प्रांत जो हुआ आदिवासियों के नाम पर ही अलग प्रांत था। मुख्यमंत्री भी बने बाबूलाल मरांडी, तो बाबूलाल मरांडी जी पहला झारखंड के मुख्यमंत्री बने स्थिति और परिस्थिति में, और आज 15 साल करीब भाजपा का राज पाट रहा उसमें, और जो सेंसस हुआ अभी, सेंसस तो 2011 का डिक्लेयर भी नहीं हुआ है कि कौन जाति का कितने लोग हैं, तो ये तो जब सेंसस का डिक्लेरेशन होगा और पुनः सेंसस होगी तब उस डिक्लेरेशन का पता चलेगा कि किसकी आबादी बढ़ी है किसकी आबादी घटी है। लेकिन जो लोग जो है यहाँ के आदिवासी जब अलग हुए तो यहाँ रोजगार की कमी के चलते बहुत सारे आदिवासी पलायन भी किए इस क्षेत्र से, आसाम में पलायन किए, पंजाब जाते हैं लोग, संथाल से उधर भी जाते हैं, बहुत सारे जगह में पलायन करते हैं क्योंकि रोजगार का स्थिति यहाँ अच्छी नहीं अच्छा, थी मतलब लोग पलायन आदिवासी और वो और रोजगार के चक्कर में बांग्लादेश की तरफ निकल गए जगदीश जी, और वहां जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो यहाँ रोजगार लेने चले आए, उन्हें रोजगार मिल रहा है आदिवासियों को नहीं मिल रहा है तो वो वहां चले गए, है ना? मेरा कहने का मतलब है कि जो बांग्लादेश से आए तो सबसे ज्यादा तो राज झारखंड में का नाम है आपके भाजपा के ही राज में हुआ, भाजपा ही राज किए 15 साल 16 साल 17 साल राज किए, तो अगर ये बांग्लादेशी घुसे तो उस पर उनको उस टाइम काम करना चाहिए, लेकिन अभी चुनाव का माहौल है तो उसको एक मुद्दा बना रहे हैं। ठीक जगदीश जी, मैं आपके पास आऊंगा।
ओपनिंग कमेंट एक बार ले लेते हैं। जेपी तुबी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, चुनाव नजदीक है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और आपके नेता बाबूलाल मरांडी जो ये कह रहे हैं कि ये तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है और बांग्लादेशियों को यहां लाकर बसाया जा रहा है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जेपी तुबी जी ये चुनाव के मद्देनजर ये सब खड़ा किया जा रहा है, यह हकीकत भी है? क्योंकि जगदीश जी तो मान नहीं रहे, कह रहे हैं जो कुछ हुआ आप ही की सरकार में हुआ है। जेपी तुबी जी, देखिए ऐसा है कि ये सत्य है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई वैलिड डॉक्यूमेंट के आधार पर देश के अंदर नहीं आता है तो उसको हम घुसपैठिया मानते हैं। तो ये सारे लोग बांग्लादेशी हैं, ये जग जाहिर है। बड़ी संख्या में बांग्लादेश से लोग बंगाल के रास्ते झारखंड और न केवल झारखंड, देश के कई एक इलाकों में जाकर बस रहे हैं। और इसलिए झारखंड राज्य का तो ये मुद्दा है ही और हम इसे उठाते रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि बाबूलाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2000 में तो दिल्ली में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं उस बैठक में भी ये मुद्दा उन्होंने उठाया था और ये एजेंडा में है। और आपको आपकी जानकारी में होगा कि जो हमारा सिटीजन्स अमेंडमेंट सिटीजन्स एक्ट है 1955 का, उस एक्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में एक अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट के तहत ये बातें आई कि हम इसका इसकी पहचान करेंगे। और कालांतर में आप जानते हैं कि हम लोगों ने आधार कार्ड वगैरह भी लागू किया। तो कहने का मतलब ये मुद्दा बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है और देश की अस्मिता का सवाल है। तो इस मुद्दे पर मुझे जी, जब भी एक सेकंड, जब भी ऐसे डेमोग्राफिक बदलाव आते हैं तो रिपोर्ट सर राज्य सरकार के पास भी जाती है और केंद्र सरकार के पास जाती है। अगर आप इतने चिंतित हैं और अगर आप कह रहे हैं कि भाई तुष्टिकरण हो रहा है, बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, तो आप ये CAA NRC किस लिए है सर? इंप्लीमेंट करिए उसको झारखंड में सर। एक दूसरे पर यह मतलब आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। 5 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई सर, और ये जिस संथाल परगना की बात कर रहे हैं सर, यहां तो डेमोग्राफी बिल्कुल ही चेंज हो गई सर। नहीं नहीं, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, विषय ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये इन चीजों को लागू किया जाता है तो राज्य सरकार की अहम भूमिका होती है। आपने सुना होगा कि जब हम लोगों ने इसको लागू किया तो पूरे देश में किस तरीके से लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। शाहीन बाग का मुद्दा आपके सामने है और बंगाल में ममता बनर्जी स्वयं सामने आकर कह चुकी हैं कि मैं जो है ये NRC लागू नहीं होने दूंगी, ये लागू नहीं होने दूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक राज्य सरकार की सक्रियता इन सब चीजों में नहीं रहेगी तब तक इस तरह के कार्यक्रमों को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और यही बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि राज्य सरकार को इसमें संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। ठीक ठीक है, आपके जेपी तुबी जी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सनत सोरेन आदिवासी नेता जुड़े हुए। सनत जी, ये देखिए 1951 में 44% आदिवासी थे झारखंड में, जो कि अब घटकर 28% रह गए। ये आदिवासी गए कहां सर? क्योंकि वो कह रहे हैं कि रोजगार के चक्कर में वो तो निकल गए, क्योंकि रोजगार है नहीं तो रोजगार के चक्कर में निकल गए, डेमोग्राफिक बदलाव हो गया सर। हाँ जी हाँ, बदलाव तो बहुत हुआ है, क्योंकि हम पाकुड़ जिला से ही हैं और पाकुड़ जिला को हम 10 साल पहले भी देखें, आधी अथवा गैप तक हम देख रहे तो बहुत चेंज हो गया। तो हम इसमें थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे आप लोग को, मैंने कुछ गलती होगा तो माफ कीजिएगा। तो सबसे पहले 1951 की जो बात बोल रहे हैं आपके हमले बाबुल मानी और मानी जो, उसके बाद थोड़ा पहले हम ले जाएंगे आपको 1980 में, जो अंग्रेज काल में था, जैसे ट्राइबल को हम लोग कोई रिलीजन नहीं रखा गया था, हम लोग को एबोरिजिनल में रखा गया था। तो उसके बाद 51 में जो हुआ तो जितना ट्राइबल था सब तो हिंदू लिखा गया, इसके बाकी तो क्रिश्चियन हो गए, तो क्रिश्चियन हो गए तो क्रिश्चियन में चले गए, बाकी ट्राइबल हिंदू में चले गए। तो वहीं से कुछ लोग घटे वहां पर, मैंने ट्राइबल में घटे। फिर आपका बाकी जो बोल रहे हैं, जो मैंने जो बांग्लादेश घुसपैठ हुआ है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। जैसे हम पाकुड़ में से, मैंने 10 साल पहले, तो वहां क्या है, वहां क्या मैंने पारिपारिक पर चला था, जैसे बांग्लादेश या बाहर तक तो यहाँ आ गया तो जैसे मान लिया दो मियां भी में लड़ाई हो गया, थाना में जाके एंट्री करवा लिया,
फलना गांव निकलिया हो तो फलना गांव का बसिंदा है तो उसी आधार पर अपना राशन कार्ड निकाल लिया, राशन कार्ड निकाल लिया या आपका फिर आपका इसमें आ गया आपका जो ये मैंने जो आधार कार्ड में आ गया इस तरह से घुसा लो। तो सरज जी मेरा सवाल ये है कि ये जो पांच जिले हैं साहिबगंज पाकुड़ दुमका गोड्डा और जामताड़ा, ये पांच जिले, अब आदिवासी ना अपनी जमीन बेच सकते हैं, इवन लीज पे भी नहीं दे सकते हैं सर। फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं वो यही ठहर कैसे जा रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कौन दे रहा है, उन्हें संरक्षण कौन दे रहा है, या उन्हें कौन बचा रहा है? और इतना डेमोग्राफिक बदलाव आ रहा है फिर भी सरकार वहां की मौन है, या सरकार क्या वाकई में तुष्टिकरण वाली राजनीति में बिलीव कर रही है? सनत जी कुछ तो है लेकिन प्रशासन का भी जवाब नहीं है ना। तो जैसे वाले आप बोले कि आदिवासी जमीन बिकता है तो एक्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी जितना जमीन बिक रहा है इस सरकार के में इतना कभी नहीं हुआ, जितना भी हो रहा है अभी। मैंने जैसे पाकुड़ का आप लोग का आइडिया होगा धनुष पूजा का, कंप्लीटली आधा जो सो मैंने ब्राह्मण लोग हत्या लिया जैसे, तो इस पर सरकार तो उठाया था आवाज कि इसमें जो सो जांच होगा, लेकिन कहां जांच हो रहा है? नहीं देखिए सनत जी सवाल तो यहां खड़ा होता है ना कि अगर 1951 से 2011 सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मुस्लिम आबादी 2.5% बढ़ जाती है सर, मतलब 9% से सीधा 28% आ जाती है, और आदिवासी 41% से आपके ये 28 या 9% के आसपास आ जाते हैं सर, तो सवाल खड़ा होगा क्या यहां पर लैंड जिहाद या लव जिहाद वाला फॉर्मूला चल रहा है? और अगर ये सब चल रहा है तो फिर राज्य सरकार मौन क्यों है? क्या उसको सरकार तुष्टिकरण करके उससे फायदा ले रही है? क्योंकि सर अभी आंकड़ों के मुताबिक एक विधानसभा में सीधा 50,000 ज्यादा मुस्लिम वोटर बढ़ गए अचानक से, वो जमीन से निकले या आसमान से गिरे सर, कहां से आए? सरत जी एकदम बेशक आप सही बोल रहे हैं, बढ़ा तो बहुत है इसको, जैसे वहां देखिएगा ना कभी जाने का मौका मिलेगा देखिएगा, एक एक जो लेबर क्लास का आदमी है उसको भी 10-12 को बचता है तो वहां से बढ़ करेगा, बाकी लोग उधर से आता है तो वो तो मैंने एडिशन हो रहा है जो यही बात है। दूसरा की एक बात है जैसे मैंने जैसे अभी जो बहुत ऐसा किया है जैसे ट्राइबल में बहुत लड़की लोग शादी करके मैंने मामले लोग पास जा रहा है, वो लोग उसका बेनिफिट ले रहा है, तो सरकार भी इसको देखना चाहिए इस सरकार को। ठीक है, चूंकि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि अगर झारखंड के पांच जिलों का डेमोग्राफिक बदलाव होगा और मुस्लिम आबादी में एक लंबा छलांग देखने को मिलेगा तो आदिवासी कहां जाएंगे सर? और जो झारखंड आदिवासी के लिए जल जंगल और जमीन के लिए जाना जाता है अगर वही नहीं रुक रहा है तो फिर ये चिंता का विषय नहीं हो जाता है? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे झारखंड में सीएमपी एसपीटी एक्ट लागू है और सीएमपी संथाल में एसपीटी एक्ट लागू है, तो वहां तो जो जमीन कोई खरीद के बच भी नहीं सकते, तो अगर कहीं ना कहीं जो बस रहे हैं तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है और इस पर कड़ाई से लागू करना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए। और दूसरी बात है कि हमने जो सरकार जो है गठबंधन की सरकार है अभी फिलहाल जो मामला आ रहा है उसमें हम लोग शिक्षा में जागृति लाए हैं और शिक्षा में जागृति लाने के बाद जो यहाँ के स्थानीय इंडस्ट्री लग रहे हैं उसमें स्थानीयता को 75% नौकरी में। जगदीश जी देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, जगदीश जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा या पॉलिसी या जो कुछ भी आप कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि अगर आदिवासी अचानक से इतनी तेजी में घटेंगे तो फिर ये पॉलिसी किसके लिए पॉलिसी लाई जा रही है? बांग्लादेशियों के लिए पॉलिसी लिए जा रही है? मतलब चूंकि अब पांच जिले सटे हुए हैं तो जाहिर सी बात है 15-20 किलोमीटर की दूरी बचती है, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई वो तो जमीन लीज पे भी नहीं दे सकते हैं, वो बेच नहीं सकते हैं, लेकिन गिफ्ट तो कर सकते हैं ना सर? मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि जब जनगणना होगा और आदिवासी कोड मिलेगा, आदिवासियों का जो धर्म का कोड मिलेगा तब उससे पता चलेगा ना कि कितना आदिवासी घटे हैं या नहीं घटे हैं या बढ़े हैं। अभी तो जो जनसंख्या में मतलब आप एक सेकंड, मतलब आप 1951 से 2011 सेंसस रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं? देखिए जो सबसे बड़ी मांग है
आदिवासियों का कि सरना कोड लगाया जाए, तो सरना कोड जब लगेगा और उसके तहत जब काउंटिंग होगा तब पता चलेगा कि क्या स्थिति आदिवासियों का एक है। सेकंड, मतलब आंकड़े झूठे, जगदीश जी सीधा सा सवाल, आंकड़े झूठे मतलब ये, और कोई बदलाव नहीं आया, सवाल ये उठता है। हाँ, ये एक सेकंड, आप ये मान रहे हैं कि डेमोग्राफिक बदलाव नहीं आया, सीधा सीधा मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, डेमोग्राफी बदलाव तो थोड़ा मोड़ा आया है, इसमें कहीं थोड़ा मोड़ा क्या होता है जगदीश जी, थोड़ा मोड़ा, ये चूरन है क्या, थोड़ा मोड़ा? हाँ, बदलाव तो आया है, इसमें कहीं दो राय है। ठीक है जगदीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। जेपी दुबे जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं डेमोग्राफिक बदलाव आया नहीं है और वो इस आंकड़े को भी नहीं मान रहे। इससे पहले जो है कि जो आदिवासी जो पलायन किए हैं उसको तो जोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे आसाम चले गए हैं, पंजाब में खेतीबाड़ी में चले जाते हैं, बहुत सारे जगहों से चले जाते हैं ना, तो वो सारे अगर आदिवासी आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो संख्या है, और जो चले जाते हैं वो कभी झारखंड लौट के नहीं आते हैं। ठीक है जेपी दुबे जी, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी सनत सोरेन जी ने जमीनी हकीकत को बयां किया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी इन क्षेत्रों में आकर डेमोग्राफिक बदलाव किए हैं। और अगर हम देखते हैं कि जो सामान्य आबादी की जो वृद्धि होती है वो लगभग 2.5% के आसपास में होती है। अगर हम ये आंखों से ही देख रहे हैं कि जो गांव कभी आदिवासियों से भरा रहता था, अगर वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी वहां आज के दिन में आ गई है तो निश्चित रूप से ये बदलाव आंखों से ही दिख रहा है। ये गणना की बात तो हम तकनीकी दृष्टि से करेंगे जब हम उसकी गिनती करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है। और यही कारण है कि जब हम ये कहते हैं कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है और ये आरोप इसलिए हम लोग लगाते हैं। देखिए केंद्र सरकार में आप हैं, 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, सर सेंसस करवा दीजिए ना। वो जगदीश जी भी कह रहे हैं कि अभी लास्ट में 14 साल हो गया सर, सेंसस हो नहीं रहा है, सेंसस करवाइए सर। और आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, आप किसके आगे मिन्नत कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पावर तो आपके पास है, आप एक्शन लीजिए ना। नहीं नहीं, सेंसस तो अपनी जगह पर है, मुद्दा ये है कि क्या डेमोग्राफी बदला हुआ है कि नहीं, मुद्दा ये है। सेंसस तो आज नहीं तो कल आप करेंगे ही। मैंने तो आपको कहा कि जब एनआरसी लागू होगा तो ये सारी चीजें बात खुल करके आ जाएंगी। जब हमारी रजिस्टर बनेंगी तो हर व्यक्ति का ये रजिस्टर बनेगा कि वो सरना धर्म का है या आदिवासी हिंदू धर्म का है या आदिवासी मुसलमान है या आदिवासी ईसाई है, ये सारी चीजें उन रजिस्टर में अंकित होती है। तो कहने का मतलब तो हम भी कह रहे हैं कि एनआरसी कब लागू होगा, मतलब न नौ नरी सूत होगी न राधा नाचेगी, मतलब एनआरसी आप लाइए हो हल्ला हो, लेकिन ये बदलाव तो हमें वैसे ही दिख रहा है ना सर, क्या मतलब है फिर ये एनआरसी और देर किस बात में? वो अल्लाह की बात नहीं है, आपको मैंने अभी बताया ना कि किस तरह से इस पर राजनीति होती है और नेता ये कहते हैं कि मैं अपने राज्य में लागू नहीं करने दूंगा। तो जब इस तरह से राज्य सरकार का रवैया रहेगा तो कैसे आप उस सच्चाई पर पहुंचेंगे? ये हमारे लिए चिंता का विषय है और ये केवल कोई पार्टी की चिंता का विषय नहीं है, ये राष्ट्र की चिंता का विषय है, एक समाज एक क्यों अन्य क्षेत्रों में। जेपी दुबे जी, सनत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर ये डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है या तुष्टिकरणवादी राजनीति हो रही है जैसा कि बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो सरकार के साथ साथ प्रशासन भी है, क्योंकि सरकार तो अपने से काम नहीं करती है ना, कोई मंत्री तो अपने से काम नहीं करेगा तो प्रशासन से जुड़े आदमी ही काम करेंगे। लेकिन सरकार का जैसा रहेगा, ऐसा होता ना कि जैसा सरकार रहेगा वैसे ही चलेगा लोग, तो सरकार का भी है। एक क्लोजिंग कमेंट, क्या इसके पीछे राजनीति है या वाकई में तुष्टिकरण है? थोड़ा मोड़ा वाला नहीं, सीधा बताइए, क्या डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है या आप पूरी तरीके से आंकड़ों को झुठला रहे हैं? जगदीश जी, तुष्टिकरण की जो बात भाजपा बार बार करती है, तुष्टिकरण तो भाजपा कर रही है, हिंदुओं का तुष्टिकरण कर रही है, हिंदू मुसलमान करके तुष्टिकरण करती है। कांग्रेस ने तो कभी तुष्टिकरण की बात कही नहीं, सारे संप्रदाय के लोग को लेके चलना चाहती है, इसके तुष्टिकरण का मामला यहाँ नहीं है, ये मामला है सेंसस का और ये जिम्मेदारी है केंद्र सरकार का। अगर अगर लोग घुस रहे हैं बांग्लादेश, एक सेकंड, तो मतलब सबको जब तक सेंसस नहीं होगा डेमोग्राफिक बदलाव होगा, बांग्लादेशी घुसपैठिया आएंगे, 5 जिले प्रभावित हो गए, सर ये सब कोई मायने नहीं रखता, सारा जो है वो दारोमदार आ जाता है सेंसस करवाइए। जेपी दुबे जी वही कह रहे हैं कि आप ही के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाएगी कि केंद्र में आपकी सरकार है,
आप ही जिम्मेदार है और ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो ये तो हाल है झारखंड में, डेमोग्राफिक बदलाव और आंकड़ों को भी झूठला दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, समय का अभाव है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी तुमित जी आपका भी, जगदीश जी आपका भी, सनत सोरेन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संथाल पूरी तरीके से परिवर्तित तो और झारखंड के 5 जिले हैं, ये 1951 से 2011 सेंसस के आंकड़े के मुताबिक बता रहे हैं हम आपको, ये बदलाव हुए हैं और ये बदलाव जो हो रहे हैं, किसी किसी विधानसभा में 50,000 से ज्यादा लोग अगर बढ़ जाएंगे तो चिंता का विषय है। और अब ऐसे में सवाल यह है कि ये चुनाव के मद्देनजर ये सब हो रहा है या वाकई में झारखंड के लिए या आदिवासियों के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए ये चिंता का विषय है। चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।